नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है ड्रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज़, जिसमें हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने CSV के थ्रू प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है कि आपको एक्सपोर्ट करना पड़े कोई प्रोडक्ट या कोई नोड या इसी टाइप का, तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल कवर करेंगे कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट से प्रोडक्ट या नोड एक्सपोर्ट करके अपने वेबसाइट में कैसे करें। तो इसके लिए चलते हैं कि एक हमारे पास ये मॉड्यूल है व्यू डेटा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है कि मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, तो जब आप इस पर जाएंगे इस URL पे, तो आपको ये दिखेगी। और इस वेबसाइट में क्या है, मैंने कि प्रोडक्ट ऐड किए थे और इसकी लिस्टिंग में ये किया था। ठीक है, तो इसमें जब मैन सूज पे आप जाएंगे तो ये प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, तो इसमें ये देखिए ये लोडर भी है। तो अब इससे क्या करते हैं कि हम लोग इससे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम इस तरीके से भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इसका URL हमें लेना पड़ेगा, ना कि नेम। ठीक है, तो इसको URL यहाँ से कॉपी करेंगे और हम लोग डालेंगे अपने मॉड्यूल्स की URL डायरेक्टरी में, इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इंस्टॉल। अब इसको हम लोग चलते हैं इनेबल करते हैं। एक्सपोर्ट ये हमारा मिला यहाँ पर हमको व्यू डेटा एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे, तो आप जब इसके व्यू पे जाएंगे, जैसे कि ये पेज है, इसके व्यू पे जब जाएंगे, ठीक है, तो इस व्यू पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा एक्सपोर्ट का। ठीक है, ये ऑप्शन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे मॉड्यूल ये वाला व्यू डेटा एक्सपोर्ट, तभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो ये हमारा वही व्यू है जो हमने वहाँ पेज पे दिखाया था, कैटलॉग बनाया हुआ हमने। तो इस पर क्लिक करते हैं डेटा एक्सपोर्ट। तो ये हम लोग इसमें प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट कर लेंगे और अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्लिक कर दिया डेटा एक्सपोर्ट पे। अब यहाँ पर तीन चीज़ें मेन हैं, वो हैं आपको यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा कि आपको कौन सा पाथ देना है। तो ठीक है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्सपोर्ट CSV, ठीक है, इसी टाइप का आप दे सकते हैं। CSV हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, ये हो गया। और अटैच टू में आपको यहाँ पर मास्टर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे बल्क रहेंगे, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है यहाँ दोस्तों। अगर आपके पास ढेर सारे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये देखिए जैसे 1000 से ऊपर या इस टाइप का, तब आप सेकंड ऑप्शन यूज़ करें तो आप बैच में आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देगा। तो हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, बाकी सब ठीक है। और जो अब जो हमें किस पैटर्न में हमारा चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि CSV में हम लोग ने कर लिया। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ सेटिंग होगी इसकी। और अब हमें जो चाहिए, जो हमारा था कि हमें पहले टाइटल चाहिए, फिर प्राइस चाहिए, फिर SKU चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हम बनाएंगे। तो देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो कहाँ है। कॉमर्स प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है, तो ये हो गया कॉमर्स प्रोडक्ट टाइटल। अप्लाई, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा टाइटल आ गया। अब हमें चाहिए प्राइस,
ठीक है, तो इसको हम लोग इमेजेस में हमें डेल्टा इमेज, और यहाँ पर जो हमें चाहिए वो रहेगा, ठीक है, इमेजेस में हमें ये नहीं चाहिए, हमें इमेजेस में हमें चाहिए यूआरआई, तो हमें इस इमेजेस को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इमेजेस को रिमूव कर दिया, और हमें प्राइस चाहिए, और कंटेंट टाइटल हम ले चुके हैं, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, और ऐड टू कार्ट नहीं चाहिए हमें, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। प्राइस में मैं यहाँ पर अगर प्राइस लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये देखिए प्राइस आ गया हमारा और टाइटल आ गया, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये रीअरेंज हो गया, तो अब हमारा क्या है, हमारे टाइटल आ गया, प्राइस आ गया। अब हमारा नेक्स्ट फील्ड क्या थी, एस क्यू, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐड करते हैं, और एस क्यू आप अपना, क्योंकि आपके अपने प्रोडक्ट में रहेगा तो आप अपना ले सकते हैं, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एस क्यू हम अपनी वेबसाइट में अपना डालेंगे, ठीक है। तो एस क्यू हमने ले लिया, उसके बाद बचा हमारा स्टेटस, ऑलवेज वन रहेगा, उसको भी नहीं लेते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। साइज़, ब्रांड और कलर ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक साथ कर लेते हैं, साइज़, ब्रांड, ठीक है, कलर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ले ली। प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा आ गया टाइटल, कुछ इशू हुआ है, एक मिनट, जो हमने एक बार फिर से चेक करते हैं, साइज़ में इशू हो गया है, साइज़ का नहीं है, एक बार साइज़ पे क्लिक करते हैं और सेव करते हैं, ठीक है, ये कभी कभी होता है। ये देखिए आ गया साइज़ भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीएसवी में फॉर्मेट में ही आएगा ये, ठीक है। और यहाँ से हम पेजिनेशन हटा देते हैं, ठीक है, और पेजिनेशन हटाने के लिए हम यहाँ पर जीरो कर देंगे, तो हमारे जितने भी होंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे आ गए, और यहाँ पर मेंस की कैटेगरी लगी है, ये तो हमारी फिल्टर है, ठीक है। तो अब ये हमारा रेडी है, तो अगर हम इसमें जाते हैं तो अब ये सेव नहीं है हमारा, ठीक है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं कि हम लोग इसमें जाते हैं, ठीक है, मैं बैकअप ले लेता हूँ ताकि को अगर कोई इशू हो तो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, इसको एक्सपोर्ट को ऐसे रहने देते हैं ताकि हम कर सकें, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेव कर लेते हैं, ठीक है, तो सेव कर लिया हमने। अब जब हम इस पेज पे जाएंगे तो हमारे पास सीधा हमारी सीएसवी डाउनलोड हो गई, ठीक है, सीएसवी हमारे पास सीधा हम लोग को मिल गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीएसवी में हमारे है क्या, ठीक है। तो ये देखिए पूरी पूरी लिस्ट आ गई हमारी, ठीक है। और अगर हम लोग ने क्या किया, हम लोग यहाँ पर गए, सेव किया, एक्सपोर्ट पे जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का, जैसे आप क्लिक कर देंगे एक्सपोर्ट हो जाएगी सीएसवी, ठीक है, सीधा एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो अब हमने अपना, मतलब जो हमें सीएसवी चाहिए था
वो हम लोग ने एक्सपोर्ट कर ली है। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करेंगे इजीली, जैसे हम लोग ने पिछले वीडियोस में इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप कर ही सकते हैं, पिछले वीडियो में जैसे इंपोर्ट किया था, तो मैं अपने लोकल में इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो दोस्तों ये था कि हम अगर कहीं हमारे पास अगर कोई डेटा हो किसी वेबसाइट्स पे, तो उसे कैसे हम अपनी वेबसाइट्स में इंपोर्ट करें, ठीक है, एक्सपोर्ट करके अपनी वेबसाइट में कैसे इंपोर्ट करें। तो ये पास मेरे पास ये व्यू मेरा पहले से बना हुआ था, ठीक है, तो ये पूरा डेटा हम लोगों ने प्राइस ले लिया, इमेज ले लिया और टाइटल ले लिया, सब इसमें हम लोगों ने CSV में एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।